ओके ठीक है। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे नंबर्स एंड डिजिट्स। ठीक है। ओके सर। नंबर्स एंड डिजिट्स। ठीक है। ओके सर। तो देखो ये एक एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5। मुझे बताओ कि इसमें कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 5 तक सर। नहीं, गलत है, रॉन्ग है। ये पूरा एक ही नंबर है। ओके सर। दिस इज ओनली वन नंबर। ठीक है, ये पूरा एक ही नंबर है। ठीक है, अब इसमें ये जो 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, ये पूरे क्या है? डिजिट्स। पूरे एक साथ है। ठीक हाँ, एक साथ हैं और इनको हम डिजिट्स बोलेंगे। ओके ठीक है, डिजिट्स। हाँ, स्पेलिंग लिखे हुए हैं, देख लो, आप याद कर लो अच्छे से। ठीक है, लेकिन अब यहां पर ओके देखो, ये पूरा एक ही नंबर है और इसमें डिजिट्स कितने हैं? देयर आर फाइव डिजिट्स। ठीक है, ओके ये फर्स्ट डिजिट है, ये वाला सेकेंड डिजिट है, ये वाला थर्ड डिजिट है, दिस इज फोर्थ, डिजिट, और ये वाला फिफ्थ डिजिट है। ठीक है, ओके ओके। अलीना, एक क्वेश्चन और मैं आपसे कर रहा हूं। आपको फर्स्ट और वन में फर्क पता है क्या होता है? हाँ, नो सर। देखो, काउंटिंग आपने की होगी, 1 2 3 4। यस सर। ओके, इधर आपने ये वाली काउंटिंग की है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। यस सर, किया तो है। ओके, तो ये जो वन है ना, वन का मतलब होता है एक। क्या मतलब होता है एक? सर। टू का मतलब दो, थ्री का मतलब तीन, और फोर का मतलब होता है चार। ठीक है, ओके सर। और इस साइड में जो फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब होता है पहला, सेकंड का मतलब होता है दूसरा, थर्ड का मतलब होता है तीसरा, फोर्थ का मतलब होता है चौथा, फिफ्थ का मतलब पांचवा, सिक्स का मतलब छठा, ऐसे करके होता है। ओके अब ये अगर मैं आपको बोलूं कि ये कितने नंबर हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे पांचवा, आप ये बोलोगे पांच डिजिट्स हैं इसमें, पांच डिजिट्स हैं। ठीक है, ओके ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि दो डिजिट बताओ, तो आप क्या बताओगे इसमें से? हाँ, सर। 1 और 2। वन और टू नहीं बताओगे आप, 12 बताओगे, दो डिजिट एक साथ। ओके सर। अगर मैं आपको बोलूं कि तीन डिजिट बताओ, तो आप ये बताओगे 1 2 3।
ओके सर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पहला डिजिट बताओ तो आप सिर्फ ये बताओगे वन। ओके सर। अगर मैं आपको बोलूं कि दूसरा डिजिट बताओ तो आप टू बताओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि तीसरा बताओ तो आप थ्री बताओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि चौथा बताओ तो आप ये बताओगे फोर। अगर मैं आपको बोलूं कि पांचवा डिजिट बताओ तो आप ये बताओगे फाइव। ठीक है। ओके तो ये तो फर्क मैं आपको बता रहा था नंबर्स और डिजिट्स का। ओके सर। ये आपने सब लिखना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है? स्क्रीनशॉट सर। स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये रिकॉर्डिंग भी हुई रही है तो यूट्यूब पे होगा ही इसका। हो यस गया। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हो गया लीना? ओके। सर। 2 मिनट्स। सर डन। ओके गुड। तो मैं इसको अब रिएज कर रहा हूं। हम इसे आगे चलेंगे। ओके। अब आपको जो क्वेश्चन आते हैं, आपको नंबर्स लिखने के लिए क्वेश्चंस आते हैं कि राइट अ नंबर। क्या राइट सर? राइट वेट। यहां पर आपको आएगा राइट है टू डिजिट नंबर। यानी आपने कौन सा नंबर लिखना है? आपने टू डिजिट्स वाला नंबर लिखना है। ठीक है। हाँ, या फिर आपको आएगा कि राइट है वन डिजिट नंबर। तो मैंने आपको बताया कि ये जितनी जगह होती है, जैसे आपने टू डिजिट नंबर लिखना है ना, तो उस पे दो जगह होगी। जैसे मान लो 12 है, 21 है, 99 है, ये सारे टू डिजिट वाले हैं, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। ठीक है। 76 है, ये भी दो डिजिट्स वाला है, पहला डिजिट और सेकंड डिजिट। ऐसे ये सारे टू डिजिट्स वाले नंबर हैं। ठीक है। अगर आपको ये आएगा कि आप वन डिजिट वाला नंबर लिखो तो आप 1 4 9 8 7 5, है ना, 6, ये सारे वन डिजिट वाले हैं। यस ठीक है। और ये वाले हैं टू डिजिट्स वाले सर। और ये वन डिजिट वाले हैं। ऐसे ही अगर आपको थ्री डिजिट वाला आएगा, है ना, थ्री डिजिट वाला आपको नंबर लिखना होगा, तो आप लिखोगे 1018 476 999 888। ठीक है। 777। ऐसे ये सारे थ्री डिजिट वाले हो गए। ओके बात समझ में आ गई है? सर। यस सर, समझ आ गई। गुड। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
सर। सर गुड। अच्छा, अभी तक हमने जितना भी किया है आपको सब समझ में आ गया? यस सर यस। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। नो सर सब आ गया। गुड, ठीक है। ओके, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि आपको क्वेश्चन आएगा कि आपने या तो एक नंबर लिखना होगा, 1 डिजिट वाला आपको दिया जाएगा कि 1 डिजिट नंबर लिखो, ठीक है, या फिर आपको 2 डिजिट ओके वाला बताया जाएगा कि 2 डिजिट वाला नंबर लिखो, या फिर आपको 3 डिजिट वाला, या फिर 4 डिजिट वाला, या फिर 5 डिजिट वाला, ऐसे नंबर आपको लिखने होंगे बना के खुद से, ठीक है। सर। गुड। अच्छा, एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, ये मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, इसका मुझे मीनिंग बताओ क्या होता ओके है। सर रिपीट दोबारा करना। वेरी गुड। रिपीट मतलब दोबारा, ठीक है, करना, यस सर। लिखना, कुछ भी, ठीक है। ओके सर। एक मिनट। ओके, अब ना जब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि आप 5 डिजिट नंबर लिखो या 3 डिजिट नंबर लिखो, तो आपको दो तरह की उसमें क्वेश्चंस आएंगे। एक तो ये कि आपको डिजिट्स ना रिपीट करके लिखने होंगे। जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रिपीट करके डिजिट्स का इस्तेमाल करो और 5 डिजिट नंबर बनाओ, ठीक है, तो रिपीट का मतलब होता है दोबारा से, बार बार, है ना, इस्तेमाल करना। जैसे मान लो ये है 5 डिजिट नंबर, ये मैंने 1 5 बार रिपीट कर दिया, ठीक है, या फिर ऐसे ये 5 डिजिट नंबर बन गया, ठीक है, इसमें 1 मैंने 2 बार यूज किया है, रिपीट किया है, और 2 मैंने 3 टाइम्स रिपीट किया है, या फिर ऐसे ये हो गया 1 1 2 2 3 1 1 2 3, ऐसे करके कितने भी नंबर बन जाएंगे, ठीक है, ये सारे रिपीटिंग वाले हैं, इसमें कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। या फिर आपको आएगा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग आपको नंबर बनाना पड़ेगा जिसमें आप डिजिट्स रिपीट नहीं करोगे, तो वो कौन सा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये हो गया, या फिर टू थ्री ओके फोर फाइव सिक्स, है ना, या फिर फोर फाइव नाइन एट जीरो, या फिर 7 6 4 5 3, ऐसे ये सारों में देखो रिपीट नहीं हो रहा नंबर, है ना, जो एक बार हो जाता है वो सर। रिपीट नहीं हो रहा, सब सिंगल सिंगल टाइम यूज हो रहा है, तो ये हो गए नॉन रिपीटिंग। ओके सर। और ये वाले हो गए रिपीटिंग वाले, ये भी रिपीटिंग है, ठीक ओके है, सर। तो इसका भी ओके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। सर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ओके ओके, तो देखो आज हमने जो जो कर लिया है, मैंने आपको डिजिट्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको
नंबर्स के बारे में बता दिया, ठीक है, फिर हमने रिपीटिंग के बारे में जाना, यस सर। फिर हमने नॉन रिपीटिंग के बारे में जाना। ओके, अब उसके बाद बारी आती है प्लेस वैल्यू की। ओके क्या क्या सर प्लेस वैल्यू, प्लेस ये आपने किया वैल्यू भी हुआ, ये आपने किया हुआ है ना पहले। यस सर। जैसे आप, जैसे एक नंबर है 1 2 3 4 5, ये एक नंबर है, इसमें ये जो 5 है ये कौन सी प्लेस पे है? लास्ट प्लेस पे यस हाँ ठीक है, लास्ट प्लेस पे, लेकिन हम इसको ऐसे तो थोड़ी ना बोलते हैं कि लास्ट प्लेस पे है। मैं 1s 10s 100s 1000s की बात कर रहा हूं। आपने कर रखा है सर ना वंस, क्या ये वंस वाली जगह पर है, वंस वाली यानी एक एक नंबर वाली जगह पर है, और ये जो है ये टेंस वाली जगह पर है यानी टेन यस टेन वाली जगह पर। यस सर ये किया हुआ है आपने? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया या याद नहीं है अब ध्यान से कर लेना, ठीक है। सर और ये 3 जो है ये हंड्रेड्स वाली जगह पर है यानी ओके 100 100 वाली जगह पर, सर और ये जो 2 है ये 1000 वाली जगह पर है ओके सर यानी 1000 1000 वाली जगह पर, ओके ठीक है। और ये जो 1 है ये 10,000 वाली जगह पर है, ओके सर ठीक है। ये हम इनकी प्लेसेस की कीमत की बात कर रहे हैं, प्लेसेस की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके हाँ, ये जो 5 है ये कौन सी वाली जगह पर है? ये 1 वाली जगह पर है। ये जो उसके यस बाद 5 से पहले है 4, ये 10 10 वाली जगह पर है, ठीक है। सर वो क्यों है मैं यस आपको बताता हूँ। देखो 5 है, हम इसको अगर सिंपल पढ़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे 5, ठीक है, यानी एक सर एक से लेके 1 से लेके 9 तक इसमें आते हैं, 1 से लेके 9 तक, ठीक है, या फिर 0 भी आती है, 0 से लेके आप बोल सकते हो कि 0 से लेके 9 तक यहाँ आते हैं, सिंगल ऐसे ऐसे लिखा जाता है उसको। लेकिन अगर उसके इधर जो जगह ओके है, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर आ गया, जैसे मान लो 2 आ गया, तो ये 25 हो गया, 25 क्या हो गया? हाँ 25 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे 20 और साथ में 5, 25 ऐसे होता है ना 25। यस सर तो ये जो 20 है ये 10 वाला 20 है, ठीक है, ये जो 20 है ये 10 वाला 20 है, इसको हम 2 into 10 करते हैं तब 20 बनता है ओके ना। और ये जो 2 है ना ये 10 वाली जगह पे होने की वजह से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, सर ये 2 को 10 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये ना जो 2 है ये 10 वाली प्लेस पे है, ठीक है। ओके सर जैसे ये 4 है, ये 4 10 वाली प्लेस पे था, अब ये 3 है, ये 300 वाली प्लेस पे है, तो जब भी इसका नंबर निकालना है, जैसे हम इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे 345, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 300, और इसको क्या बोलेंगे? यस ये 10 वाली प्लेस पे है तो ये बोलेंगे 40, और ये क्या है? ये 5 है, ये 1 1 वाला 5 है, 5 into 1 5, ठीक है, ये फोर ओके इंटू सर टेन है 40, और ये 3 into 100 है क्योंकि ये 100 वाली जगह पे है, तो 3 into 100 है तो 300 बना, ठीक है। ऐसे ये नंबर बोले पढ़े और लिखे जाते हैं और ऐसे ये बनते हैं, ओके सर ठीक है, बात समझ में आ गई है? यस ठीक है, अभी ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो आप, और हम क्लास यहीं बंद करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ओके यहीं से सर शुरू करेंगे, ठीक है। ओके
ओके बाय बाय। बाय बाय सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ठीक है, ओके।